हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट जो कि FOFI OTT बॉक्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका बॉक्स है OTT सब्सक्रिप्शन, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी डिमांडेबल है, उसके लिए ये बॉक्स बनाया हुआ है, जो कि नॉर्मल टीवी को भी ये एंड्रॉयड टीवी के रूप में कन्वर्ट कर देगा और उसके अंदर मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स को हम वॉच कर सकते हैं उसके सब्सक्रिप्शन को इस पर रजिस्टर्ड करके। तो आइए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है, ये कि 4K है, HD बॉक्स प्लस वाईफाई भी है, तो हमने इसको ओपन कर लिया है। ये है इसका सेटअप बॉक्स जिसके अंदर हम अपने OTT के सब्सक्रिप्शन को लॉगिन करेंगे और चलाएंगे। इसको हम ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं। सो ये है FOFI का छोटा सा सेटअप बॉक्स, बहुत छोटा सा है, एकदम स्लिम पीस बना हुआ है। इसके पीछे इसकी डिटेल दी गई है जिसमें इसका दिख रहा है CPU कौन सा है और रैम कितनी है। 2GB की रैम है इसके अंदर और जो रोम है वो 16GB की है। 2 एम्पियर 5 वॉट के DC पावर सप्लाई से ये वर्क करेगा। ये जहाँ से बना हुआ है प्रोडक्ट, ये वहाँ का डिटेल भी दी गई है इसके अंदर। बहुत छोटा सा है, हमारे छोटे से मतलब बिल्कुल हाथ में ये हमारे आ गया है। इसके बारे में और भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो पीछे पोर्ट दिया हुआ है, एक है HDMI का, सबसे पहला पोर्ट है DC 5 वॉट का, फिर HDMI, फिर इसके पास में है AV, जो टीवियाँ ऑडियो वीडियो सिस्टम पे चलती थी उनके लिए। यह है LAN पोर्ट और उसके पास में है HPDIF, इसके बारे में हम और अपने डिटेल में निकालेंगे इसको क्या मीनिंग होता है। और पीछे की तरफ इसको हैंगिंग के लिए भी दे रखा हुआ है, ये हम वॉल पर हैंग कर सकते हैं। जैसे वॉल माउंटेन टीवियाँ हम लगाते हैं LED, तो उसके पास में इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। साइड में इसका USB पोर्ट दे रखा है, 2 USB पोर्ट दे रखा है और एक छोटा SD पोर्ट दे रखा है जिसमें हम लगा सकते हैं। इस तरफ कुछ भी नहीं है, फ्रंट पे इसके कुछ भी मेंशन नहीं है, ना ही कोई इंडिकेशन दिया हुआ है। सो ये है हमारा छोटा सा बॉक्स, तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं हम इसके बॉक्स के अंदर उसको चेक करते हैं। ये बॉक्स हमने ओपन करा है, इसके अंदर इसके काफ़ी सारे चीज़ें आई हुई है, जैसे कि इसका रिमोट है, अडॉप्टर है, केबल है। ये इसका रिमोट है जो हमने निकाला है, इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहुत छोटा सा और बहुत हल्का रिमोट है ये। ये इसका पावर का एडाप्टर है जो इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ये इसकी ऑडियो वीडियो कार्ड है, जो कि पहले की टीवियों में ऑडियो वीडियो सपोर्ट चलता था वो कार्ड है। अभी भी काफ़ी टीवियाँ पुरानी यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये फीचर दिया हुआ है कि स्मार्ट हो जाएगा। HDMI केबल, एज यूजल छोटी सी केबल दी गई है इसमें, और ये है उसका यूज़र मैनुअल जिसमें इसके बारे में पूरा बताया गया। पीछे इसमें लिखा हुआ है एंड्रॉयड TV बॉक्स, आगे भी लिखा हुआ है एंड्रॉयड बॉक्स। तो ये इसके साथ इसका पूरा बॉक्स आया हुआ है। हम इसको साइड में करते हैं और हम अब देखते हैं इसी के फीचर्स के बारे में। हम इसको साथ में रख देते हैं। ये इसका रिमोट है, ये इसका पावर अडाप्टर, ये इसकी HDMI केबल और ये है उसकी ऑडियो वीडियो केबल और हमारी यूज़र मैनुअल। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में हमारे साथ आई भी है। आइए अब हम इसको हमारे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम अपना इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले इसका अडाप्टर निकालते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पिन है इसके साथ, एक्स्ट्रा पिन दी गई है। किसी दूसरे अडाप्टर में भी हम इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर कंजप्शन जो है 5 वॉट 2 एम्पियर का दे रखा हुआ है इसके अंदर, जो कि आउटपुट निकालेगा 5 वॉट 2 एम्पियर का। पीछे से इसकी LED भी दे रखी हुई है अडाप्टर ऑन होने के बाद। तो आइए इसके इंस्ट्रक्शन में हम यूज़र मैनुअल के अंदर इसके सारी डिटेलिंग देखते हैं। इसमें इमेज के रूप में इसके सारे चीज़ों के नाम भी दिए गए हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करना है वो भी इसमें दिया गया है, किस पोर्ट को क्या नाम देते हैं वो भी बताया गया है। तो ये रहा इसमें इमेज जिसमें हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आइए हम इसको अब इंस्टॉल करते हैं। हमने इसके अंदर अभी HDMI केबल लगा दी है और TV को ऑन भी कर दिया है, HDMI को TV से कनेक्ट कर दिया HDMI पोर्ट के अंदर। अब इसके हम पावर को ऑन करते हैं। इसके अंदर में पावर पिन जो कि अभी हमने नहीं लगा रखी हुई है, सो ये हमारा पावर पिन हमने इसमें लगा दी है। पावर ऑन हो गया, इसमें ब्लू लाइट जल गई है और जैसा कि TV में हम देख पा रहे हैं LED में FOFI का ये लोगो भी आ गया है। HDMI पोर्ट पे ये ऑन हुआ इसने दिखा दिया है। स्टार्टिंग इसका बिल्कुल ऐसा होता है, प्लीज़ वेट लोडिंग करके जो लिखा हुआ आ रहा है ये कम्प्लीटली बूट हो रहा है,
एक एंड्रॉयड बॉक्स जिस तरीके से बूट होता है सिस्टम, बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑन हो रहा है। सो जैसा हम देख रहे हैं, ये बूट हो चुका है, इसका फ्रंट पेज आ चुका है जिसके अंदर काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, जिसमें सोनी लिव, हॉटस्टार, वूट, गाना और भी काफ़ी सारे MX प्लेयर वगैरह हैं। हम इसको रिमोट से मैनेज करते हैं, इसको चेक करते हैं। रिमोट में इसमें काफ़ी फंक्शंस दिए हुए हैं, अप एंड डाउन का, वॉल्यूम कम ज़्यादा, और प्लस नंबर का भी, कि हम कोई चैनल्स वगैरह नंबर के रूप में भी लगा सकते हैं उस हिसाब से भी। आई थिंक इसके अंदर अभी सेल नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर सेल डालते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर सेल नहीं है, तो आइए हम इसके अंदर सबसे पहले सेल लगाते हैं। इसमें AAA सेल लगेंगे, सबसे छोटे वाले 2 सेल इसके अंदर लग जाएंगे। सो ये कंप्लीट रेडी हो चुका है रिमोट हमारा, अब हम इसका फंक्शन बिल्कुल चला पा रहे हैं इसके अंदर से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अप एंड डाउन की से मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट से इसके फंक्शंस में ऊपर नीचे जा रहा हूँ। ये इसका पूरा रिमोट विदाउट पन्नी हम जैसे इसमें देख रहे हैं। वॉल्यूम इसमें से ही कम ज़्यादा हो जाएगा, जो कि OTT बॉक्स का वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। TV का हमें एक बार सेट करके रखना है। इसके अंदर काफ़ी फंक्शंस हैं, हम देखते हैं। एंटरटेनमेंट जो लेफ्ट में साइड में ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यूज़ और टूल्स, ऐप स्टोर जिसके अंदर से नया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मीडिया, एजुकेशन, म्यूज़िक, बिजनेस, प्रोफाइल और सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिखा रहा है। एंटरटेनमेंट में हम आते हैं तो ऊपर की तरफ के सारे OTT इसके जो है वो एंटरटेनमेंट के हैं। सो आइए इसमें हम कुछ ऑप्शन ऑन करते हैं। ब्राउज़र के अंदर हम जैसे गए हैं तो अभी इसमें कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने अभी कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट की नहीं दे रखी है। सो अभी कुछ भी ऑन नहीं होगा, हम इससे बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट करते हैं बैक बटन दबाकर। अब हम इसके अंदर वापस से सारे मेन्यू में जाते हैं, जो लेफ्ट साइड का मेन्यू था, लेफ्ट बटन दबाने से वो हमारा मेन्यू वापस आ जाएगा, या होम का बटन दबा रहे हैं तो उसमें आ गया है। नीचे की तरफ हम देख रहे हैं सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर हम इसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सेटिंग में हमने ऑन करते हैं तो लोगो, सेटिंग लोगो पे आ गया है। उसके अंदर देखते हैं तो राइट में सारे मेन्यू खुले हुए हैं, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें बता रहा है कि पेरेंटल कंट्रोल, सर्च, वाईफाई, AAA, हॉटस्पॉट। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर की एक और है कि यह वाईफाई भी प्रोवाइड कर देता है, अगर आप इसको लैन के थ्रू कनेक्टिविटी देते हैं तो। और भी इसके अंदर के ऑप्शन है, वॉलपेपर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, इसको अपग्रेड के बारे में भी जान सकते हैं, स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, AAA कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि हम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन में AAA के थ्रू ही इंटरनेट प्राप्त होता है। तो आइए इसके अंदर हम ऑन जाते हैं। तो सबसे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का पेज आया है, जो कि सबसे पहला ऑप्शन भी दिखा रहा है, जिसमें हमको राइट क्लिक कर रहे हैं। इस ऑप्शन का मतलब है कि ऑटो डायलिंग रिबूट होने के बाद ये ऑटो डायल हो जाए, हमारा जो AAA का डायलअप है वो ऑटो होना चाहिए, बंद या चालू हो। नीचे उसका इंटरफेरेंस है, जो कि इथरनेट 1 है, सिंगल पोर्ट है, इथरनेट 0 के नाम से उसको आइडेंटिफाई कर रखा है, वही सिलेक्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम इसके अंदर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, जो कि ISP के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ISP का मीनिंग है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आपके यहाँ पे जिन्होंने इंटरनेट कनेक्शन दिया है वो आपको इसका यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करते ही हैं, जिसको आप अपने राउटर में भी डाल सकते हैं, जो हम इसी के अंदर डाल रहे हैं। इसके अंदर हमारा डालने का मीनिंग ये है कि ये लॉगिन भी इसी के अंदर हो जाएगा और ये हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर देगा, जिससे हम हमारा छोटा सा जो रूम है, एरिया, वो हॉटस्पॉट भी बन जाएगा। इसके लिए सेपरेटली हमें वाईफाई राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे TV भी और घर के मोबाइल भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे। सो हमारा ये डायलअप का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको डायल करते हैं। नीचे ऑप्शंस में है, डायल पे हमने करा है, ये रिक्वेस्ट उसने भेज दी है और वहाँ से वो रिक्वेस्ट रिजॉल्व होके कनेक्ट हो चुका है, जिसमें ओके लिखा हुआ आ गया है। अब हम वापस से हमारे बैक आते हैं, जो कि हम वापस हमारे सेटिंग पेज पे आ रहे हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ है, हॉटस्पॉट। तो ये मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को आपको बताता हूँ। हॉटस्पॉट को हम इसको अंदर गए हैं, इसके इसको इनेबल करना होता है, इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम इनेबल करते हैं। नीचे का ऑप्शन इसका ऑन हो गया है, जिसके अंदर है इसका वाईफाई हॉटस्पॉट की सेटिंग। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी गई है, एंड्रॉयड ऐप करके नाम लिखा हुआ है, जो कि इसका वाईफाई के अंदर नाम दिखाएगा, शो करेगा। हम सबसे पहले इसका पासवर्ड चेंज करते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम नॉर्मली डाल नहीं पाएंगे। अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करते हैं और जो यूज़र नेम है उसको भी चेंज करते हैं।
जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने नेटवर्क का नेम ऑनलाइन इंडिया कर दिया है, हमारा चैनल का नेम है जो कि, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई है तो। और हमने पासवर्ड डाल के इसके अंदर सेव कर दिया है। अब हम इसके बाहर आ गए हैं, इसको हॉटस्पॉट जो कि अभी बंद है उसको ऑन कर दिया है हमने फंक्शंस को। इसके अंदर एक फंक्शन और है जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी का है, हम हमारे राउटर के थ्रू इसको डायरेक्ट वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट लैन। तो चलिए अब हम इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट होते हैं हमारे मोबाइल को। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है जिसके अंदर हम इससे जो हमने हॉटस्पॉट क्रिएट किया है उससे कनेक्ट होते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं नीचे ऑनलाइन इंडिया के नाम से लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने इसके अंदर पासवर्ड डाल रखा था वो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पासवर्ड डालते हैं। ये हमारा इसके अंदर पासवर्ड डाल दिया है, हम इससे कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हम इससे कनेक्ट हो चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये इसका खुद का आईपी भी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से ये मॉडेम के रूप में काम कर रहा है, इसने खुद का अपना आईपी एड्रेस दिया हुआ है। तो आइए अब हम इसके और भी स्पीड के बारे में चेक करते हैं कि ये स्पीड कैसी दे रहा है। ये हमारा स्पीड टेस्ट है जिसके अंदर हम इसको स्पीड टेस्ट में लगाते हैं। सर्वर जो हमारा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट से कनेक्ट कर रखा है, जिस कंपनी से हमने इंटरनेट ले रखा है उन्हीं का स्पीड टेस्ट में हम इसकी वाईफाई की कैपेसिटी चेक करने जा रहे हैं। तो इसने 4 MS में पिंग कनेक्ट करा है और 20 MBPS तक की स्पीड ये प्रोवाइड कर रहा है अभी हमें डाउनलोडिंग। जो कि हमारा इसमें प्लान अभी हमारे पास है वो 100 MBPS का है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम है, राउटर छोटा सा है वाईफाई के रूप में ये OTT बॉक्स। अपलोड भी जो दे रहा है वो 17-18 MBPS तक का दे रहा है, यानी कि 20-20 MBPS तक की अपलोड और डाउनलोड स्पीड ये दे रहा है, जो कि एक नॉर्मल छोटे से रूम के लिए या एक छोटे से डिवाइस के लिए सफिशिएंट है, हमारे एक मोबाइल के लिए भी सफिशिएंट है। सो गाइस, ये है हमारा FOFI OTT बॉक्स जिसके अंदर हॉटस्पॉट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा इसके बारे में आप हमसे और क्या क्या जानना चाहते हैं। तो मैं नया वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा।